म्यांमार संकट पर भारत की गंभीरता, यूएन के बयान में किया सहयोग। 1 फरवरी को म्यांमार में आंग सान सू की सरकार के तख्ता पलट करने के मामले को लेकर सेना की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी इन मामलों पर चिंता जताई गई, लेकिन अपने बयान को जारी करने में थोड़ा वक्त लगाया। म्यांमार के मौजूदा हालात पर बयान जारी करने को लेकर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चाओं में भारत ने रचनात्मक भूमिका निभाते हुए एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम किया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी कि भारत ने निंदात्मक स्वभाव नहीं अपनाया जाए, ये सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया और हस्तांतरण के महत्व को रेखांकित किया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को आम सहमति से बयान जारी कर 1 फरवरी को म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची और राष्ट्रपति विन मिंट समेत राजनीतिक नेताओं को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने पर गहन चिंता व्यक्त की थी। संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में हुए घटनाक्रम के 3 दिन बाद बयान जारी किया। परिषद के सदस्यों ने हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा करने की अपील की। जनवरी में परिषद का अस्थायी सदस्य बनने वाला भारत बयान जारी करने को लेकर हुई चर्चाओं के दौरान बेहद रचनात्मक रूप से शामिल रहा। सूत्रों ने कहा कि भारत ने विभिन्न विचारों को साथ लाकर एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम किया और संतुलित निष्कर्ष सुनिश्चित करने की इच्छा व्यक्त की। साथ ही भारत ने निंदात्मक रवैये के बजाय ऐसा बयान जारी करने की इच्छा जताई जिससे इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद मिले और ये गैर लाभकारी साबित न हो पाए। सूत्रों ने कहा कि भारत ने सभी पक्षों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की, जिसकी ब्रिटेन और अन्य देशों ने सराहना भी की। म्यांमार में सेना ने किया तख्ता पलट। सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नवंबर में हुए संसदीय चुनाव में 476 सीटों में से 396 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब वो देश की बागडोर संभालने जा रही थी, लेकिन चुनाव होने के कुछ वक्त बाद ही सेना ने चुनाव में फर्जीवाड़े के आरोप लगाकर माहौल बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद म्यांमार की सेना ने अचानक 1 फरवरी को म्यांमार में सैन्य शासन लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद देश में सब कुछ बंद है, नेता जेल में और लोग घरों में कैद हैं। पूरी दुनिया में एक खबर आग की तरफ फैली तो अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने म्यांमार को धमकी देना भी शुरू कर दिया, क्योंकि म्यांमार में सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से नेता चुनी गई स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची को नजरबंद कर दिया और देश की बागडोर को 1 साल के लिए अपने हाथों में ले लिया। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के देश सैन्य शासन को चेतावनी दे रहे हैं।